बात करते हैं जिला कांगड़ा की गरलादेई पंचायत के पवन कुमार की, जिसकी एक हादसे में टांग कट जाने के बाद परिवार को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली मदद भी लोगों के साथ लेन देन में खत्म हो गई और अब पवन ने अपने परिवार को बीपीएल में शामिल करने और नौकरी पाने की गुहार लगाई है। विकास खंड भेड़ू महादेव की गरला देड़ पंचायत के भलेरा गांव के पवन कुमार की एक हादसे में टांग कट जाने के बाद परिवार को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। पिछले वर्ष 2017 के अक्टूबर महीने में बाइक दुर्घटना में पवन की दाई टांग कट गई। उसके बाद 10 महीने से पवन अब बिस्तर पर लेटा हुआ है। एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि बाइक चला रहा था मैं, बाइक स्किट आगे पशु आ गया और बाइक स्किट हो गई। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। परिवार में इकलौता कमाने वाले पवन की तीन बेटियां और एक बेटा है। चार बच्चों का पिता अब असहाय होकर रिश्तेदारों के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहा है। मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे बाइक से हैंजा में, तो जब मेरा बच्चा छोटा था तो उन्होंने सीधा रेफर कर दिया पालमपुर को। पालमपुर में थोड़ा बहुत इलाज हो, उसके बाद उन्होंने पीजीआई को रेफर कर दिया टांडा के बाद पीजीआई को रेफर कर दिया। उसके बाद तीन ऑपरेशन हुए और चौथे ऑपरेशन में टांग जो थी वो काट दी उन्होंने। और उससे क्या कि उसके बाद खाना पीना खर्चा थोड़ा मुश्किल हो गया। घर में डिपो का राशन लाना भी मुश्किल हो गया, खाने पीने की भी बहुत तंगदारी आ गई है। ये तो घर वाले हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो गई है। चार महीने पहले मुख्यमंत्री के भवारना दौरे के दौरान पवन ने उनसे मिलकर सहायता की गुहार लगाई थी। उसके बाद पवन को 45,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिले, लेकिन यह धनराशि लोगों के साथ लेन देन में खत्म हो गई। पवन के परिवार का चयन अब तक बीपीएल परिवार में भी नहीं हुआ है। पवन ने बताया कि यदि उसकी पारिवारिक स्थिति को देखकर सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए तो उसके परिवार का पालन पोषण संभव है। मैं पहले सबसे पहले तो गया सीएम के पास, वो जहां मनसिम्बल में आए थे उनके पास मैंने नौकरी के बारे में भी दिया था, और मैंने दिया था कि जो खर्चा हुआ है मेरा, जो वहाँ से बिल आए थे उनके बारे में दिया था। उन्होंने तो किया, मेरा 45,000 रुपये उन्होंने दिया, मगर वो मैंने जहाँ से मेरे घर वाले ने उठाया था पैसा वो उनको दे दिया मैंने, तो वो तो ख़त्म हो गया, यानी कि वो तो 15-16 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गया, वो तो दे दिया मैंने, सभी को ख़त्म कर दिया लेन देन। उसके बाद मैं गया हमारे विधायक और श्री विपिन कुमार सिंह जी, उनके पास गया मैं, उनके पास भी मैंने अप्लीकेशन दी। उसके बाद मैं गया श्री परमार सिंह जी के पास, तो उनके पास एप्लीकेशन दी कि मैं मैट्रिक पास हूँ और मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया मैंने, और कहा कि मुझे आज तक बीपीएल में भी नहीं डाला गया है, तो उन्होंने भी कहा कि डाल देते हैं करते हैं कुछ, तो उन्होंने भी ये ऐसा कहा। उसके बाद गया मैं डीसी ऑफिस में, तो डीसी ऑफिस में भी मैंने एप्लीकेशन दी और उसके बारे में कहा कि नानतवाड़ी में और मैट्रिक पास हूँ कि नौकरी बारे में लिखा मैंने, उनको एप्लीकेशन दी। उससे पहले मैंने बेडू में भी गया ब्लॉक दफ्तर में, उनके पास भी दिया मैंने बीडीओ साहब को, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि अभी तक तो कोई प्रावधान नहीं है और ग्राम पंचायत में होगा जो भी प्रावधान होगा। और आज तक तो मेरी 8-9 महीने हो गए मेरे, और घर का गुजारा करना पाना बहुत कठिन हो गया है। पवन की तीन बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और बेटा अभी 1.5 साल का है। पवन ही इस परिवार में अकेला कमाने वाला है। पीड़ित परिवार ने समाजसेवी संस्थाओं से भी मदद की गुहार लगाई है।
इस बारे में पंचायत प्रधान निशा चौधरी ने बताया कि आगामी ग्राम सभा का कोरम पूरा होने पर इस परिवार को बीपीएल में डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर, जैसे हमारी आगामी ग्राम सभा होगी उसमें मैं ले लूंगी उसको, पर उससे पहले हमारी 4 अगस्त को जो ग्राम सभा है ना, जैसे हमें बीडीओ सर से परमिशन मिल जाए कि इसका कुछ बीपीएल सूची में नाम दर्ज कर दिया जाए, तो उसमें हम उसको ले लेंगे। इसकी कोई पेंशन के बारे में भी कुछ? हाँ, पेंशन के लिए फॉर्म तैयार कर दिए हैं, लेकिन उसमें ग्राम सभा का रेजुलेशन लगना बाकी है। जैसे हमारी ग्राम सभा पूरी होगी उसमें वो रेजुलेशन भी लगा देंगे, फॉर्म जो वेलफेयर में जमा करवा देंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट।